नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वर्कबुक, है ना, चैप्टर अ ट्रिप टू भोपाल. इन टेक्स्ट बुक हमने पढ़ा था ट्रिप कहाँ जा रही थी, होशंगाबाद से तो भोपाल. अब इस वर्कबुक में जो है वो वर्कबुक में जो ट्रिप जा रही है वो अहमदाबाद से कहाँ जा रही है, माउंट आबू. डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल गोइंग ऑन अ ट्रिप टू माउंट आबू फ्रॉम अहमदाबाद इन बस आर गिवन बिलो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस. सारे क्वेश्चंस जो है इसी के बेसिस पर है. कौन सी ट्रिप? अहमदाबाद टू माउंट आबू. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप? तो देखो, फर्स्ट के 31, सेकेंड के 30, थ्री के 43, फोर्थ स्टैंडर्ड के 52, फिफ्थ स्टैंडर्ड के 56. तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 6 + 2 8, 8 + 3 11, 12. यहाँ पे आएगा 12. 212 बच्चे, है ना. 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21. इसका मतलब 212 बच्चे टोटल. दिस इज 2. ये क्या है? 2 है. गलती से यहाँ पे 211 लिख गया बेटा, ये 212 है. ठीक है, ओके. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप? 212 चिल्ड्रन. अब हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स इफ दे आर टू बी सीटेड इन फोर बस बसेस हैविंग 52 सीट्स. तो नंबर ऑफ सीट्स इन वन बस, वन बस में कितनी सीट है? 52. नंबर ऑफ बस कितनी है? 4. तो 4 बस में कितनी सीट होगी? 1 बस में 52 सीट्स. तो 4 बस में 52 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 टू जा 8, 4 फाइव जा 20. इसका मतलब कितने बच्चों को सीट्स मिलेगी? 208 चिल्ड्रन गेट्स सीट्स. एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स? और कितने बच्चे बिना सीट्स के रह जाएंगे? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे चिल्ड्रन? 212. कितने बच्चों को सीट मिल रही है? 208. तो 212 माइनस 208 इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन. कितने बच्चों को सीट नहीं मिलेगी? 4 बच्चों को. समझ में आया? नेक्स्ट. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स इफ दे आर टू बी सीटेड इन 6 बसेस हैविंग 35 सीट्स? हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट? अब ये बोल रहे हैं कि कितने बच्चों को सीट मिलेगी अगर 6 बसेस हो और उसमें एक बस में 35 सीट्स हो. तो नंबर ऑफ सीट्स इन वन बस 35, तो नंबर ऑफ बसेस कितनी है? 6. तो नंबर ऑफ सीट्स इन 6 बसेस 35 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 210. अब जो है 200 चिल्ड्रन को सीट्स मिलेगी. अब कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? 212. कितने बच्चों को सीट मिल रही है? 210. तो 212 माइनस 210 इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन. अब कितने बच्चे बिना सीट के रह जाएंगे? 2 चिल्ड्रन. देखो कितने छोटे छोटे से मल्टीप्लीकेशन, कितने छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन है. हमने तो कितने सारे बड़े बड़े किए हुए हैं ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी वो सब करने से अब हमको ये बहुत ईजी लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बसेस विथ 35 सीट्स आर नीडेड इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 245 एंड ऑल द चिल्ड्रन गेट सीट्स? अब ये बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे अगर 245 हो तो 35 सीट्स की कितनी बस लगेगी? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मालूम है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 245. और नंबर ऑफ सीट्स इन वन बस कितना है? 35. तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बस कितनी हो जाएगी? 245 डिवाइडेड बाय 35. 245 को 35 से डिवाइड कर देंगे. तो देखो 35 7 जा 7, 5 जा 35 का 5, 3 कैरी 7, 3 जा 21, 21 प्लस 3 24. तो इसका मतलब कितनी बस हमें चाहिए? 7 बस चाहिए. तो जिससे हर बच्चे को सीट मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट. इफ बस डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, बस कहीं पर रुकी नहीं, इट विल टेक 6 आवर्स टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू. माउंट आबू इज अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद. इफ इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग देन व्हेन विल दे रीच माउंट आबू? अब ये बोल रहे हैं कि अहमदाबाद से माउंट आबू पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं. ठीक है, और बस कहीं भी नहीं रुकी है, बस कहीं भी नहीं रुकी है. 7 o'clock को उन्होंने सुबह जो है मॉर्निंग के 7 o'clock को बस स्टार्ट की. तो कितने बजे माउंट आबू पहुंचेंगे? तो 6 आवर लगते हैं. तो देखो 6 अपने फिंगर में बनाओ, आफ्टर 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 7 2
8, 1 hour, 8 to 9, 2 hour, 9 to 10, 3 hour, 10 to 11, 4 hour, 11 to 12, 5 hour, 12 to 1, 6 hour. So, matlab 1 o'clock in the afternoon. So, kab pahunchenge wo log? 1 o'clock in the afternoon. Samajh mein hai na? Next. Okay. But bus will stop in between at Palanpur. Lekin bus jo hai wo Palanpur mein ruki. Palanpur is 145 kilometer from Ahmedabad. Palanpur jo hai wo 145 kilometer dur hai Ahmedabad se. It will take 3 hours to reach there. To Palanpur pahunchne mein 3 ghante lage. Kitne baje nikle the wo log wahan se? 7 o'clock morning. So if it is 7 o'clock now, then when will they reach Palanpur? So 7 o'clock ko agar wo nikal rahe hain, to 3 ghante baad Palanpur pahunchenge. To kitna baj raha hoga? To 7 to 8, 1 hour. 8 to 9, 2 hour, 9 to 10, 3 hour. So between 10 o'clock to 11 o'clock. Pehla kya hai? Before 9 o'clock. So 9 o'clock to pahunch hi nahi sakte. After 11 o'clock bhi nahi pahunch sakte. 3 ghante lagte. 7 to 7 o'clock agar wo nikal rahe hain. So 7 to 8, 1 hour, 8 to 9, 2 hour, 9 to 10, 3 hour. So between 10 o'clock to 11 o'clock ke beech mein wo kahan pahunch jayenge? Palanpur pahunch jayenge. Next, a 345 meters long bridge comes while passing through the road. अब road को पार करते time एक 345 meter का bridge आया. तो the river is flowing under the bridge. और उसके नीचे जो है एक river flow कर रही है. Then what will be the width of the river? तो उस river की width क्या होगी? देखो ये मैंने आपको textbook में भी explain किया था. जो bridge की लंबाई होती है, उसके नीचे तो नदी बहती है ना? उसी के ऊपर तो ब्रिज बनाया जाता है. तो ब्रिज जितना लंबा होगा इसका मतलब रिवर जो है उतनी चौड़ी है. लेंथ ऑफ द ब्रिज 345 मीटर. द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज. देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ब्रिज. तो जो रिवर उस ब्रिज के नीचे बह रही है इसका मतलब उसकी जो विड्थ है वो ब्रिज के लेंथ के इक्वल होगी. सो दैट इज 345 मीटर. सो विड्थ ऑफ द रिवर इज 345 मीटर. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 345 मीटर लंबा ब्रिज है और उसके नीचे रिवर फ्लो कर रही है. तो रिवर की विड्थ क्या होगी? जितनी चौड़ी रिवर होगी उतना ही तो बड़ा ब्रिज बनाएंगे उसके ऊपर. तो जो ब्रिज की लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी? रिवर की विड्थ हो जाएगी. तो ये 345 मीटर लंबा ब्रिज है तो इसका मतलब रिवर कितनी चौड़ी है? 345 मीटर चौड़ी है. अब ऑल्सो इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग. अब बस की लेंथ अगर 5 मीटर है तो हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन द ब्रिज. अब ब्रिज कितना लंबा है? 345 मीटर. हाँ, ये क्वेश्चन मैंने वहां भी था टेक्सटबुक में. अब 5-5 मीटर की बस उस ब्रिज के ऊपर खड़ी कर दी. 5-5 मीटर की ऐसे करके खड़ी करेंगे तो कितनी बस खड़ी होंगी? तो टोटल लेंथ हमें मालूम है ब्रिज की कितनी है? 345. और लेंथ ऑफ वन बस कितनी है? 5 मीटर. नंबर ऑफ बसेस स्टैंड इन अ लाइन ऑन ब्रिज 345 को 5 से डिवाइड कर देंगे. देखो 3 6 आर 30, 4 माइनस 0 4 लिया और 5 माइनस 5 को डाउन किया 45, 5 9 आर 45. तो आंसर आया 69 बस. तो अगर हम इस ब्रिज के ऊपर 5-5 मीटर की बस लगाएं लाइन से तो टोटल कितनी बस लगेंगी? 69 बसेस लगेंगी. समझ में आया कैसे? टोटल हमें लेंथ मालूम है ब्रिज की कितनी थी? 345 मीटर. तो 345 मीटर लंबे ब्रिज के ऊपर 5-5 मीटर की कितनी बस खड़ी करेंगे? तो टोटल लेंथ को 5 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 69. मतलब 5-5 मीटर की 69 बस हमें खड़ी करनी पड़ेगी पूरे ब्रिज के ऊपर. नेक्स्ट 8th ऑल्सो 9th का ए. द वॉटर लेवल इज 36 मीटर बिलो द ब्रिज. अब जो ब्रिज है उससे जो वॉटर लेवल है वो 36 मीटर नीचे है. बट इन द रेनी सीजन दिस लेवल इज ओनली 17 मीटर बिलो द ब्रिज. देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉटर लेवल इन द रेनी सीजन एंड नाउ. तो ये मैंने आपको उसमें भी कराया था. वॉटर लेवल बिलो द ब्रिज कितना है? 36 मीटर. रेनी सीजन में वॉटर लेवल कितना हो जाता है? 70 मीटर बिलो, है ना, ब्रिज के. तो डिफरेंस 36 माइनस 17 इज इक्वल टू 19 मीटर. तो डिफरेंस बिटवीन द वॉटर लेवल क्या हो गया? 19 मीटर. इफ इट रेन्स मच एंड वॉटर लेवल इज ओनली 8 मीटर. अब ये बोल रहे हैं बारिश ज्यादा हुई है ना और पानी ज्यादा भर गया, मतलब वॉटर लेवल जो है ब्रिज से खाली 8 मीटर ही नीचे रह गया, तब डिफरेंस कितना होगा?
जनरली कितना नीचे होता है 36 मीटर, है ना। वाटर लेवल बिलो द ब्रिज क्या होता है 36 मीटर। इन रेनी सीजन वाटर लेवल बिलो द ब्रिज कितना है 1 मीटर रह गया, तो डिफरेंस 36 - 8 इज इक्वल टू 28 मीटर। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 28 मीटर्स। अब बस स्टॉप एट द पेट्रोल पंप टू फिल द डीजल। अब बस स्टॉप पे जो है बस रुकी पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर। इफ इट टेक्स 6 मिनट्स टू फिल द डीजल इन वन बस, एक बस को डीजल भरवाने में 6 मिनट्स लगते हैं, देन हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द डीजल इन 5 बस। तो 5 बस में भराने हैं कितने लगेंगे, टाइम टेकन टू फिल द डीजल इन 1 बस इज 6 मिनट्स, टाइम टेकन टू फिल द डीजल इन 5 बस इज इक्वल टू, एक का दिया है 5 का पूछा है तो क्या होता है मल्टीप्लाई 6 5 30, तो कितना टाइम लगेगा 5 बस को डीजल भरवाने में 30 मिनट्स। अब रेट ऑफ द डीजल इज 65 पर लीटर, 1 लीटर का रेट 65 रुपीज है, देन हाउ मच रुपीज शुड बी पेड टू फिल 100 लीटर ऑफ डीजल इन 1 बस। तो 100 लीटर डीजल भरवाने, एक बस में 100 लीटर डीजल भरवाने में कितना पैसा लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल इज 65 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर ऑफ डीजल इज 65 × 100 इज इक्वल टू 6500। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, 1 लीटर, ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, 1 लीटर डीजल का कितना कॉस्ट दिया है 65 रुपीज, कि 1 लीटर डीजल का कॉस्ट 65 रुपीज है। अब एक बस में 100 लीटर पेट्रोल लगा तो कितना कितना कॉस्ट हुआ, 65 × 100 6500। अब वॉट अमाउंट शुड बी पेड इन ऑल फॉर फिलिंग 50-50 लीटर्स ऑफ डीजल इन द रिमेनिंग 4 बस। तो एक बस में तो 100 लीटर भर दिया, अब बची 4 बस, तो 4 बस में कितना भरा 50-50 लीटर पेट्रोल, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल कितना है 65 रुपीज, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 50 लीटर ऑफ डीजल क्या होगा, एक बस में देखो 5 बस थी, एक बस में तो 100 लीटर डीजल भर दिया तो उसकी कॉस्ट तो होगी 6500, लेकिन अब जो 4 बस बची उसमें 50-50 लीटर पेट्रोल भरा, तो पहले हम एक बस का निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल इज 65 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 50 लीटर ऑफ डीजल इज 65 × 50। देखो ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन में मैंने कराया था ना कि उसमें एक जीरो जो होता है वो लगा देते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 = 25, 5 2 कैरी, 5 6 = 30, 30 + 2 = 32, तो 3250। तो अमाउंट शुड बी पेड फॉर फिलिंग डीजल इन 4 बस, तो जो ये 50 लीटर का डीजल का जो कॉस्ट आया उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 बस में भरना है ना, 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो 4 0 = 0, 4 5 = 20 = 0, 2 कैरी, 4 2 = 8 + 2 = 10, 1 कैरी, 4 3 = 12 + 1 = 13, 13,000 रुपीज पे करना पड़ेगा 4 बस में 50-50 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ देम रीच पालनपुर एट 10 o'clock। अब सबके सब जो है पालनपुर पहुंच गए 10 o'clock। देयर दे वेंट टू 100 ईयर्स ओल्ड पैलेस, वहां पे उन्होंने 100 साल पुराना एक पैलेस देखा। इन विच वॉल पेंटिंग्स ऑफ 48 cows, 62 buffaloes, 73 deers, 9 tigers were drawn. Then wall painting of how many paintings were there all together? मतलब इतने सारे, उन्होंने 100 साल पुराना वहां पे एक पैलेस देखा जहाँ पे ये सब इतने सारे पेंटिंग्स थी, 48 cows की, 62 buffaloes की, 73 deers की, 9 tigers की, तो कुल मिला के कितने एनिमल्स की पेंटिंग थी। तो क्या होता है जब कुल मिला के पूछा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उन सबको प्लस कर दिया, देखो 9 + 3 = 12, 12 + 2 = 14, 14 + 8 = 22, 22 का 2 2 कैरी, 7 + 6 = 13, 13 + 4 = 17, 17 + 2 = 19, तो 192 पेंटिंग्स थी टोटल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 92 पेंटिंग्स थी। अब वॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स मोर और लेस देन 200, हाउ मेनी मोर और लेस। अब कुल मिला के वो जो एनिमल्स की पेंटिंग थी वो 200 से कम थी, तो नंबर ऑफ एनिमल्स वॉज लेस देन 200, है ना, 200 से कम ही है ना, टोटल मिला के 192 पेंटिंग्स है तो 200 से कम है। नेक्स्ट, हाउ मच मोर और लेस, कितनी कम और ज्यादा है, 200 से 192 को माइनस किया तो इसका मतलब 8 कम है, 200 में 8 कम है पेंटिंग्स। पहले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स कितनी थी, तो टोटल हमने जितने भी एनिमल्स की पेंटिंग दी थी उन सबको प्लस कर दी तो 192 पेंटिंग्स थी। अब है कि वो जो पेंटिंग्स है वो 200 से कम है कि ज्यादा है, तो 192 इज लेस देन 200, इसका मतलब कम है, तो कितनी कम या ज्यादा है, तो हम 200 से 192 को माइनस कर देंगे तो 8
पेंटिंग्स कम है. नाउ नेक्स्ट, 2 hours have been passed in this palace. 2 घंटे उन्होंने वहां पास किए. देन वॉट टाइम इज नाउ, अब कितने बज रहे हैं? तो कितने बजे पहुंचे थे पैलेस में? 10 o'clock को. दे पास 2 hour इन दिस पैलेस. वहां पर उन्होंने कितना टाइम पास किया? 2 hours. तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 o'clock. तो अब कितने बज रहे हैं वहां पे? 12 o'clock. देखो है ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन कि 10 बजे वो लोग वहां पहुंचे पालनपुर पे, वो पैलेस में, वहां उन्होंने 2 hours स्पेंड किए. तो अब कितना बज गया? तो 10 o'clock के 10 + 10 के बाद 11, 11 के बाद 12. तो अब कितना टाइम हो गया? 12 o'clock. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आफ्टर बस स्टॉप ऑन वे बिटवीन पालनपुर टू माउंट आबू फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट. अब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके. सेम क्वेश्चन देखो मैंने जो टेक्स्ट बुक में कराया था. ईच चाइल्ड वॉज गिवन 1 apple, 2 bananas, 1 apple, 2 bananas, 3 biscuits एंड 4 chocolates. इतना सब चीजें एक एक बच्चे को, 1 apple, 2 banana और 3 biscuits और 4 chocolates एक एक बच्चे को दी. आउट ऑफ दैट 42 children डिड नॉट टेक बिस्किट्स. इन टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे? 212. 212 में से 42 बच्चों ने क्या नहीं लिया? बिस्किट्स नहीं लिए. देन टोटल हाउ मेनी आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउ मेनी चिल्ड्रन. तो कितनी आइटम जो है हर बच्चे को मिली? तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? 212, है ना. पहला क्या दिया? एप्पल. एक एक बच्चे को एप्पल दिया. तो एप्पल कितने लगे? 212 भी लगे. 212 वन जा 212. बनाना कितने दिए? 2 बनाना दिए. कितने? 2. तो 212 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. कितने बनाना लगे? 424 बनानाज लगे. अब 3 biscuits दिए थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इत सब बच्चों में से 42 बच्चों ने बिस्किट नहीं लिए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 212. उसमें से 42 बच्चों ने बिस्किट नहीं लिए. तो कितने बच्चों ने बिस्किट लिए? 2 - 2 = 0. यहाँ से बोरो किया 11, 11 - 4 = 7. 1 का 1, 170 बच्चों ने खाली कितने लिए? बिस्किट. और कितने बच्चे बिस्किट दिए? 3. तो 170 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 0 = 0, 3 7 = 21 का 1, 2 carry, 3 1 + 3 + 2 = 5. एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी है? 4. तो 212 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8. तो इतने आइटम्स बच्चों को दिए. समझ में आया? एक एक एप्पल दिया था तो वो तो सब बच्चों ने लिया, तो 212 एप्पल्स लगे. 2 बनानास दिए थे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 212 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 424 बनाना लगे. बिस्किट, 3 बिस्किट दिए थे हर बच्चे को, लेकिन 42 बच्चों ने बिस्किट नहीं लिए. तो 212 में से 42 हमने माइनस कर दिया, तो मतलब कितने बच्चों ने बिस्किट लिए? 170 बच्चों ने. कितने बिस्किट दिए एक बच्चे को? 3. तो 170 बच्चों को कितने बिस्किट मिले? मल्टीप्लाई बाई 3, तो 510. और फिर चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की, 212 एक एक बच्चे को 4 चॉकलेट. तो 212 को कितनी मिली? मल्टीप्लाई बाई 4, 848 चॉकलेट्स मिली. नाउ नेक्स्ट, while having the breakfast, children started asking puzzle to each other. अब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो पजल खेलने लग गए, जैसे क्लास में खेल रहे थे ना टेक्स्ट बुक में वैसे ही. आई गिव 5 chocolates each to 6 ऑफ माई फ्रेंड्स. मैंने अपने एक एक दोस्त को, 6 दोस्तों को 5 chocolate दी. एंड 3 chocolates आर लेफ्ट विद मी. तो हाउ मेनी चॉकलेट डिड आई हैव? तो मेरे पास कितनी चॉकलेट थी? कितने फ्रेंड्स हैं? नंबर ऑफ फ्रेंड्स 6. नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव बाय ईच फ्रेंड, हर बच्चों को कितनी चॉकलेट, हर बच्चे को कितनी, अपने कितने फ्रेंड को एक चॉकलेट दी है? 5 chocolate. द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव बाय 6 फ्रेंड, 6 multiplied by 5, मतलब 30 chocolates उन्होंने दोस्तों को दी. कितनी चॉकलेट उसके पास बच गई है? 3. तो 30 + 3 = 33. तो कितनी चॉकलेट उसके पास थी? 33 chocolate उसके पास थी. समझ में आया ना? 6 फ्रेंड्स थे उसके, एक एक फ्रेंड को उसने 5 5 chocolate दी. तो 6 फ्रेंड्स को कितनी चॉकलेट दी? तो 6 5 = 30, 30 chocolate उसने दे दी. अब उसके पास कितनी बची है? 3 chocolate बची है. 30 + 3 कितना होता है? 33. तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी टोटल? 33 chocolates थी. अब हाउ मेनी 3-digit number कैन यू मेक यूजिंग 2, 6 and 9, विच इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट. देखो मैंने बताया था 2, 6, 9, तो एक नंबर तो बन जाएगा 269, है ना. फिर 692, then 962, then 296. ऐसे करके आपको ये 3 digit को यूज करके आप 6 number बना सकते हो. उसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 269 और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 900,
62. ये आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा. अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 5. वहां पे 8 था, है ना, 8 को मैं किसी नंबर को 8 इंक्रीज करूं वो उसका डबल हो जाता है. तो 8 प्लस 8 16. अब यहाँ पे एक नंबर है 5, तो उसको ये बोल रहे हैं कि उसको किसी नंबर को मैंने 5 इंक्रीज किया तो वो उसका डबल हो जाएगा. तो 5 ही होगा नंबर, 5 प्लस 5 10, तो 5 का डबल हो गया, है ना. सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे बेटा, वही क्वेश्चंस है सारे. देखो अब आता है, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5 and 6 एंड कम्स बिटवीन 50 and 100. ये भी आप कैसे करोगे, पहले 50 और 100 के बीच में जो 2 से डिविजिबल है वो लिखोगे, जो 3 से डिविजिबल है वो लिखोगे, जो 4 से डिविजिबल है वो लिखोगे, जो 5 से डिविजिबल है वो लिखोगे, और जो 6 से डिविजिबल है वो लिखोगे. तो उसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा 60. तो द नंबर इज, तो 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा और 6 से भी होगा. ठीक है. अब स्मॉल एंड क्लाइम्स 4 centimeters in 1 minute. एक एंट है जो 1 मिनट में 4 centimeters चलती है, मतलब 1, 2, 3 और ये हो गया 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है, कितना 1 मिनट में चलती है यहां से यहां तक. अब स्लिप डाउन 3, लेकिन जैसे चढ़ती है वहां से फिर वो 3 जो है वो नीचे गिर जाती है. ठीक है, फिर हाउ मच टाइम विल टेक टू क्लाइम 4 centimeters. तो 4 centimeters चढ़ने में से कितना है, तो 1 मिनट में 4 centimeters चढ़ी, फिर वो 3 नीचे गिर गई, 3 नीचे गिर गई, फिर दूसरे 1 मिनट में वो फिर 4 चढ़ी, फिर 3 गिर गई, तो ऐसे करके पहुंच गई वो 2 में, है ना. फिर नेक्स्ट मिनट में वो क्या हुआ, फिर 4 चढ़ी, फिर 3 गिर गई, तो ऐसे पहुंच गई 3 centimeters में. और फिर चौथे में फिर वो चढ़ी, फिर 3 गिर गई, तो उसको 4 centimeters चढ़ने, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 4 centimeters, तो ऐसे से करते करते उसको कितना टाइम लगेगा, 4 minutes. कितना है ना, 1 centimeter, फिर दूसरे 1 centimeter, इसमें भी कितना लगा था उसको, 1 मिनट, है ना. 1 मिनट में वो 4 चढ़ी थी लेकिन फिर 3 नीचे गिर गई, फिर ऐसे करके वापस फिर 1 चढ़ी, फिर ऐसे करके फिर वापस 1 चढ़ी, फिर ऐसे करके वापस 1 चढ़ी, तो टोटल कितना हो गया, 4 मिनट. ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम रीच नक्की लेक ऑफ माउंट आबू एट 3 o'clock. 3 बजे वो लोग नक्की निक पे पहुंच गए माउंट आबू की. चिल्ड्रन वॉन्टेड टू डू बोटिंग देयर, वहां पे वो लोग बोट करना चाहते थे. सेम क्वेश्चन है जैसे बुक में था. द प्राइस लिस्ट ऑफ बोटिंग वॉज एज बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस. अब वो बोटिंग करना चाहते थे सारे के सारे बच्चे. बोटिंग करने के लिए जो रेट लिस्ट था वहां पे लगा हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस रेट लिस्ट उनको वो क्या करनी थी, बोटिंग करनी थी. अब देखो क्या कॉस्ट था, एक थी डबल डेकर पर पर्सन 40 rupees 40 मिनट, पैडल बोट के 20 rupees पर पर्सन 30 मिनट तक चला सकते हैं, मोटर बोट्स के 30 rupees पर पर्सन 20 मिनट तक चला सकते हैं, बोट विद ओर्स 15 rupees पर पर्सन 45 मिनट तक चला सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, टू चिल्ड्रन वेंट इन द डबल डेकर बोट एंड देन वेंट इन पैडल बोट, देन हाउ मच बोट डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स. दो बच्चे जो है पहले डबल डेकर बस में गए, तो एक पर्सन का था 40, टू पर्सन का कितना हो जाएगा 80 rupees. उसके बाद वो गए पैडल बोट में, पर पर्सन था 20 rupees, तो दो बच्चों का कितना हुआ, 20 × 2 = 40. दोनों ने मिला के कुल कितना पे किया, 80 + 20 = 120 rupees. फिर वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द मोटर बोट, अब एक ग्रुप जो है वो मोटर बोट पे करने गया. देयर दे पेड 360 rupees इन टोटल, वहां पे उन्होंने 360 rupees 360 rupees पेड किए. तो कितने बच्चों ने मोटर बोट की, तो टोटल मनी पेड बाय चिल्ड्रन फॉर मोटर बोट कितना है, 360 rupees. तो कॉस्ट ऑफ मोटर बोट कितनी थी, 30 rupees. तो कितने बच्चों ने किया, तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को जो एक बच्चे का टिकट है उससे डिवाइड कर देंगे. देखो 360, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 30, क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 30. सो 31 जा 30, 36 minus 30 6 minus 0 6, डाउन किया इस 0 को तो क्या हो गया 60, 32 जा
60. तो कितने पर्सन आए? 12. इसका मतलब कितने बच्चों ने मोटर बोट पे राइड किया? 12 बच्चों ने. समझ में आया? टोटल अमाउंट दिया हुआ था कि 360 rupees उन्होंने पेड किए हैं, है ना, और एक बच्चे का जो ट्रिप है वो कितना है? 30 rupees है जो हमें वहां पे बॉक्स में दिया हुआ है. तो कितने बच्चों ने मोटर बोट की? तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई पर पर्सन टिकट, तो आंसर इज 12 बच्चों ने मोटर बोट की. नेक्स्ट, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द बोट विद ओर्स. अब एक ग्रुप जो है वो पूरा कहाँ गया? वो बोट विद ओर में, जो चप्पू चलाते हैं ना बोट, वहां पे. तो देयर दे पेड रुपीज 120 इन टोटल, वहां पे उन्होंने 120 rupees पे किए. तो कितने बच्चों ने वो बोट की? अब टोटल अमाउंट कितना है? 120, है ना, और एक एक बच्चे का किराया कितना है उसमें, बोट विद ओर्स में? 15 rupees. कितना है? 15 rupees. So, 15 rupees एक जन का किराया है, तो 15 × 8 = 120 होता है. 15 × 8 = 120. तो इसका मतलब कितने बच्चों ने बोट्स विद ओर की? 8 बच्चों ने. समझ में आया किस तरह से करना है? टोटल अमाउंट दिया हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा हो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चों ने किया, तो हम टोटल अमाउंट को वन पर्सन का जो टिकट है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. और एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोट मेक्स 2 trips in 1 hour. देखो 1 hour मतलब 30 + 30 minutes, तो 30 minutes में किसका टाइम है? पैडल बोट का, है ना, 30 minutes लगाती है वो, ट्रिप टाइम उसका 30 minutes है. तो 2 trips मतलब 30 minutes + 30 minutes = 60 minutes इज इक्वल टू 1 hour. सो पैडल बोट मेक्स 2 trips in 1 hour. पैडल बोट जो है वो 1 घंटे में 2 trip लगाएगी. विच बोट टेक्स लेस देन 1/2 hour टू कम्प्लीट अ ट्रिप. तो मोटर बोट टेक्स लेस देन 1/2 hour. क्यों? मोटर बोट का रेट कितना है? 20 minutes. 1/2 hour मतलब 30 minutes. 30 minutes से कम और ट्रिप टाइम किसका है? मोटर बोट का. तो मोटर बोट टेक्स लेस देन 1/2 hour टू कम्प्लीट, एक ट्रिप लगाने में वो 20 minutes का टाइम लेती है जो कि 1/2 hour से कम है. विच बोट प्रोवाइड्स द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंस. कौन सी बोट जो है कम खर्चे में ज्यादा टाइम लगाती है? बोट विद ओर्स प्रोवाइड्स द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंस. मतलब 15 rupees उसका खाली पर पर्सन किराया है, टिकट है, और टाइम कितना है उसका? ट्रिप टाइम 45 minutes. मतलब कम पैसे में हम ज्यादा टाइम तक इंजॉय कर सकते हैं. वही पूछा था, विच बोट प्रोवाइड्स द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंस. कम खर्चे में ज्यादा टाइम कौन सी बोट देती है? बोट विद ओर्स. अब वन बॉय पेड 40 rupees एंड बोटेड फॉर 1 hour. अब एक बच्चे ने 40 rupees पेड किए और 1 घंटे तक बोटिंग करता रहा. विच बोट डिड ही टेक. तो कौन सी बोट उसने ली थी? पैडल बोट. बिकॉज टिकट पर पर्सन इज 20. पैडल बोट का एक जन का कितना वो है किराया? 20 rupees है. और उसने कितने पेड किए हैं? 40. मतलब 2 जन का उसने किराया दिया है. ट्रिप टाइम उसका क्या है? 30 minutes. तो सो ही पेड डबल अमाउंट एंड बोटेड फॉर 1 hour, है ना. तो मतलब उसके 40 rupees उसने पे कर दिए. एक जन का 20 rupees और 30 minutes का टाइम है. तो उसने 40 rupees देके 2 × 30 + 30 = 60 minutes, मतलब 1 hour. तो उसने ही पे डबल अमाउंट, उसने डबल अमाउंट पे किया पैडल बोट का और 1 hour तक वो बोटिंग करता रहा. नेक्स्ट, वन बॉय टुक 2 boats एंड बोटेड फॉर टोटल 50 minutes एंड पेड अ टोटल ऑफ ₹50. विच 2 boats डिड ही टेक. अब एक बच्चे ने 2 boat ली और 50 minutes तक वो बोटिंग की उसने, और उसके लिए 50 rupees उसने पे किया. तो कौन सी वो 2 boat थी? देखो, पैडल बोट जिसकी पर पर्सन रेंट कितना था? 20 rupees, और मोटर बोट जिसका था 30 rupees. 20 + 30 कितना होता है? 50 rupees, है ना. और पैडल बोट का ट्रिप टाइम था 30 minutes और मोटर बोट का टाइम था 20 minutes. तो 20 + 30 हो गया 50 minutes, है ना. तो उसने ये क्वेश्चन था कि दो बोट ली, 50 मिनट्स तक राइड किया और 50 rupees पे किए. तो कौन सी 2 boat थी? पैडल बोट और मोटर बोट. ओके, नेक्स्ट है, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टू रिटर्न अहमदाबाद एट 5 o'clock इन द इवनिंग. अब सबके सब जो है अहमदाबाद वापस लौटने लगे 5 o'clock शाम के टाइम. एट वॉट टाइम विल द बस रीच अहमदाबाद इफ इट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर. अब अहमदाबाद से माउंट आबू उनको पहुंचने में कितना टाइम लगना था? 6 घंटे लगना था, है ना. अब वो बीच में तो पालनपुर रुके वहां पे, लेकिन अब वो कहीं नहीं रुके, वो सीधा
माउंट आबू से अहमदाबाद आए, तो 5 o'clock वहां से निकले तो 6 hours उनको लगने वाला है, तो कब तक पहुंचेंगे देखो, 5 to 6 1 hour, 6 to 7 2, 7 to 8 3, 8 to 9 4, 9 to 10 5, 10 to 11 6, तो बिफोर 11 o'clock नाइट, बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट, आफ्टर 12 o'clock इन द नाइट। देखो कभी कभी ट्रैवलिंग में लेट ही होता है ना, तो जल्दी तो पहुंचेंगे नहीं 11 बजे से, बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट, इसके बीच में वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रिप इज ₹2,500 फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वन बस एंड इफ देर आर 50 चिल्ड्रन इन द बस, देन वॉट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल फॉर ईच चाइल्ड। मतलब पूरे ट्रिप का जो वन बस का खर्चा था वो 2,500 था, और बच्चे कितने थे एक बस में, 50, तो एक बच्चे का कितना कॉस्ट लगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आया ₹50, तो पर चाइल्ड कितना खर्चा हुआ, ₹50 का खर्चा हुआ। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच पेयर ऑफ नंबर एड अप टू मेक 1,000, कौन से दो नंबर एड करें तो 1,000 बनाते हैं। देखो 901 एंड 99, the age of 4 paintings are given, which is the oldest, 1500, 5100, 1050, 5010, which one is oldest, this one, B, option B, 5100 years old. Next, a minibus needs 50 liters of diesel, for refilling 4 minibus, we need of diesel, ek minibus ko fill karne mein 50 liter diesel lagta hai, to aise 4 bus ko रिफिल करना है, तो क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 54 जा 200 रुपीज, 200 लीटर, तो कितना पेट्रोल लगेगा, कितना डीजल लगेगा, 200 लीटर, समझ में आया। एक मिनी बस को फिल करने में 50 लीटर डीजल लगता है, तो फोर मिनी बस को रिफिल करना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 5 20, तो ऑप्शन सी आंसर। If a car takes 8 minutes and bike takes 4 minutes to refill the tank, मतलब इनको फिल बाइक में और कार में पेट्रोल फिल करना है, कार में फिल करने में 8 मिनट लगते हैं और बाइक को रिफिल करने में 4 मिनट्स लगते हैं, तो हाउ मच टोटल टाइम इज नीडेड फॉर रिफिलिंग 2 cars and 3 bikes? तो देखो, 1 car को कितना टाइम लगता है, 8 minutes, तो 2 car को कितना लगेगा, 8 multiply by 2, 8 2 16, ठीक है, एक बाइक को रिफिल करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, कितनी बाइक्स को करना है, 3 bikes को, तो 3 bikes को रिफिल करने में कितना लगेगा, 4 multiply by 3, 4 3 12, क्वेश्चन इज हाउ मच टोटल टाइम, तो कार को लगा 16, बाइक को लगा 12, प्लस करो 6 plus 2 8, 1 plus 1 2, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 28 minutes। इफ द लेंथ ऑफ वन बस इज 5 meter एंड दिस बस क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 600 meter, हाउ मेनी नंबर ऑफ बसेस वन बिहाइंड द अदर कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज, एक ब्रिज की लेंथ कितनी है, 600 meter है, ठीक है, 600 meter लंबा ब्रिज है, अब उसमें 5 5 meter की कितनी बस लगाएंगे पूरी लाइन, तो मैंने क्या बताया था, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 5, 6 minus 5 1, डाउन किया 0, 10 हो गया, 5 2 10, देन 0, डाउन किया दिस 0, 5 0 0, इसका मतलब 5 5 meter की कितनी बस लगेंगी, 120 bus उस ब्रिज के ऊपर पूरी लगेंगी, तब जाके वो कवर होगा, समझ में आया। सो यहाँ चैप्टर फिनिश होता है, ये एक्सरसाइज वर्कबुक की अच्छे से समझ के करना, जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछना, आप लोग पूछोगे ही नहीं तो आपकी क्वेरी कैसे सॉल्व होगी, और उसके बाद जो लेट्स डू एक्सरसाइज है, लेट्स डू होमवर्क, वो आपको अपने आप करनी है, वो सारे क्वेश्चन जैसे मैंने इस वर्कबुक में सॉल्व कराए हैं बिल्कुल वैसे ही है, तो वर्क कंप्लीट करो सारा, और वर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना।